आपने सिल्क की साड़ी और कपड़े देखे और पहने जरूर होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिल्क कैसे प्राप्त होता है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सिल्क कॉटन की तरह किसी फसल से नहीं मिलता, ये सिल्क के कीड़ों की मदद से बनता है। दरअसल सिल्क वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जो शहतूत की पत्तियाँ खाता है और अपनी सुरक्षा के लिए सलाइवा यानी लार अपने शरीर से बाहर निकालता है, जो हवा के संपर्क में आते ही ठोस होकर धागे का रूप ले लेती है। ये इतनी ज़्यादा सलाइवा बाहर निकालता है कि धीरे धीरे सिल्क वॉर्म पूरा धागे में बंद हो जाता है और मर जाता है। फिर मरे हुए सिल्क वॉर्म और सिल्क के धागे को पानी में डालकर अलग किया जाता है, जिससे बहुत सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। आजकल बाजार में कई तरह की सिल्क की साड़ियाँ, कई तरह के सिल्क के कपड़े और कई वैरायटी की सिल्क यानी रेशम मौजूद है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें।